मेरा नाम शरीफ अहमद एडवोकेट है। अभी भी क्या है मामला? मामला ये है कि मैं द्वारिकगंज का रहने वाला हूँ साहब, और मेरा एक मकान जो है पचपैया चौराहे पे है। उस मकान में कुछ दमंग लोगों ने कल ताला तोड़ के अपना ताला लगा दिया है और 10 लाख रुपए की रंगदारी कर रहे हैं, रंगदारी मांग रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के दमंग व्यक्ति हैं जिनका नाम हरीश हसानी, मुकेश अग्रवाल, नीरज अग्रवाल, उमा यादव वगैरह हैं। इनके साथ अज्ञात 2-3 व्यक्ति और भी थे और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। ये लोग दमंग किस्म के लोग हैं। अगर मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसके जिम्मेदार ये लोग हैं। आपके मकान पर क्यों कब्जे कर रहे हैं? कुछ नहीं, इनका कोई मामला हमसे विचारधीन नहीं है, ना कोई कोर्ट में मामला है, ना कोई इनसे हमारा लेना देना है, ना हमारा कोई दूर दूर तक कोई इनसे वास्ता सरोकार नहीं है। ये हमारे किराएदार हैं, ना उस मकान के सह मालिक हैं। दमंग आए के दम पे मकान खाली पड़ा है, जर्जर हालत में है। मैं दूसरी जगह निवास करता हूँ तो आए दिन ताला तोड़ के अपना ताला लगा देते हैं। 10 लाख रुपए की मांग करते हैं, कहते हैं मकान भेज दो। पुलिस से शिकायत की? पुलिस से मैंने शिकायत की। 30 दिन में मैंने एक प्रार्थना पत्र फुटबॉल साहब को दिया था। 2 प्रार्थना पत्र मैं कप्तान साहब को दे चुका हूँ, जिसमें 20/5 में, और दूसरा प्रार्थना पत्र मैंने 2/6 में दिया था। और अभी एक प्रार्थना पत्र आज मैंने फिर स्वयं दिया है, जब कल उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और कुछ मीडियाकर्मी भी हमारे उसमें शामिल थे, उन्होंने भी झूठी वाइट चलाई कि साहब मकान पर दमंग लोग ताला तोड़ के कब्जा करना चाहते, जबकि दूसरे लोगों ने कब्जा किया है। न्यायालय से सारे मामले जो थे वो मेरे फेवर में हैं, किसी का कहीं कुछ है ही नहीं। कप्तान साहब से क्या आश्वासन मिला? उनको ये आश्वासन दिया गया कल तक आज शाम तक आपके साथ जो भी होगा न्याय होगा। निकल आप आके मुझसे मिलिए। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।